तो इन द लास्ट सेशन हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किया था, इफ आई रिमेंबर। तो 16, 17, 18, 19 विल बी असाइनमेंट बिकॉज दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 20। अ बॉक्स कंटेनिंग एन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ परफेक्ट गैस एट टेम्परेचर T1 एंड प्रेशर P1। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द बॉक्स इज डबल्ड, कीपिंग द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस सेम एज बिफोर। इफ द न्यू प्रेशर इज P2 एंड टेम्परेचर T2, देन इनिशियल और फाइनल प्रेशर, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर का रिलेशन पूछा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमारे पास एक बॉक्स है, सो वी हैव अ बॉक्स एंड दिस बॉक्स कंटेन्स एन मॉलिक्यूल्स। तो एक बॉक्स है एंड दिस बॉक्स कंटेन्स एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो N1 इक्वल टू N, प्रेशर यहाँ पे P1 है, टेम्परेचर यहाँ पे T1 है। देन दे आर टेलिंग यू कि अगर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डबल कर दिया, तो अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डबल कर देता हूँ तो N2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ N, प्रेशर बन जाता है P2, टेम्परेचर जाता है T2। यहाँ तक क्लियर? बट एनर्जी रिमेन्स सेम, मतलब यहाँ पे जो एनर्जी है E1 दैट इज इक्वल टू E, और E2 इज ऑल्सो इक्वल टू E, एनर्जी इज सेम। तो इन दिस कंडीशन P1 P2 का और T1 T2 का रिलेशन क्या है? सबसे पहले एनर्जी इज सेम, ये हिंट है, मतलब स्टार्ट करो एनर्जी के इक्वेशन से। तो व्हाट इज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस? एक गैस मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना होता है? 3/2 KBT, एक्चुअली F/2 KBT। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, अगर आप इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आपको पता है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ½ KBT। तो इट विल बी F/2 KBT, वेर एफ इज नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मोनोटॉमिक गैस होगा तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 KBT। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? तो ये एक मॉलिक्यूल का है, तो एन मॉलिक्यूल का कितना होगा? F/2 NKBT, करेक्ट? तो ये आ गया एनर्जी का जनरल इक्वेशन। अभी आपको बोला है कि एनर्जी दोनों केस में सेम है, तो E1 इक्वल टू E2। हमने गैस का टाइप चेंज किया? नहीं, जो गैस था वही गैस है, तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम रहेंगे, तो F/2 N1, क्योंकि यहाँ पे नंबर N1 था, KB और टेम्परेचर था T1। ओके, तो ये ½ NKT होता है, T कैपिटल T है, दिस इज कैपिटल T, टेम्परेचर T, राइट? तो दिस इज इक्वल टू F/2 N2 KBT2, F/2 KB, F/2 KB कैंसल। तो क्या आ गया आपके पास? N1 T1 इक्वल टू N2 T2। एक्चुअली हमको बाद में भी काम में आएगा, तो जैसे P1 V1 इक्वल टू P2 V2, मतलब PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वैसे N1 T1 इक्वल टू N2 T2 का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ NT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से आपको T2 मिल जाएगा, यू विल गेट T2 फ्रॉम हियर, सिंपल। तो व्हाट इज T2? N1 T1 अपॉन N2। व्हाट इज N2? 2 टाइम्स ऑफ N1, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डबल कर दिए थे तो हो गया कैंसल। तो व्हाट इज T2? T1/2। तो T1/2 ऑप्शन नंबर बी और डी में से एक। गुड। अब फाइंड करना है प्रेशर, और दोनों परफेक्ट गैस है, PV इक्वल टू NRT। तो P इक्वल टू व्हाट इज N? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, RT। और जो V है इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर? अब एक काम करो, P इक्वल टू R अलग कर लो, N और T को एक ही ब्रैकेट में लिखो। ऐसा क्यों? थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको। R क्या है? कांस्टेंट है। NT, अभी देखा तुमने, NT क्या है? कांस्टेंट है। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम कहीं पे भी नहीं बोला है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, तो प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट मतलब P1 इक्वल टू P2। तो ऑप्शन नंबर सी, P1
टी टू इक्वल टू पी वन एंड टी टू इक्वल टू टी वन बाई टू, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ गैस बाय 5% विल डिक्रीज इट्स वॉल्यूम बाय। तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो दैट इज ओके। प्रेशर कितने से बढ़ा? 5% से। इसका मतलब फाइनल प्रेशर पी टू इज पी वन प्लस 5% ऑफ पी वन। अभी 5% ऑफ पी वन मतलब 0.05 होता है, 5 बाय 100 मतलब 0.05, तो पी टू इक्वल टू पी वन प्लस 0.05 पी वन, मतलब पी टू इक्वल टू 1.05 पी वन, मतलब पी टू बाई पी वन इक्वल टू 105 बाय 100। और सिंप्लीफाई करना है तो 21 बाई 20, तो रेशियो आ गया आपके पास पी टू बाई पी वन का, यहाँ तक क्लियर। तो आपको पूछा है ऑफ कोर्स कि जब प्रेशर 5% से बढ़ेगा तो वॉल्यूम कितना कम होगा, तो यू नो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब वी टू बाई वी वन इक्वल टू पी वन बाई पी टू, लेकिन पी वन बाई पी टू इज 20 बाई 21, तो 20 बाई वी वन, यहाँ तक क्लियर गुड। तो आपको ये पता होना चाहिए, यू शुड नो चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, मतलब वी टू माइनस वी वन अपॉन वी वन इंटू 100। चेंज इन वॉल्यूम पूछा है ना, तो व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, डेल्टा वी बाई वी, व्हाट इज डेल्टा वी, वी टू माइनस वी वन अपॉन वी वन। अगर फ्रैक्शनल चेंज पूछा होता जो अगला क्वेश्चन है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करते हैं, सिर्फ डेल्टा वी बाय वी लिखते हैं उस केस में। तो ये आपने मिल जाएगा, देखो वी टू बाय वी वन, वी टू बाय वी वन माइनस वी वन बाय वी वन इज 1 इंटू 100। व्हाट इज वी टू बाय वी वन अभी फाइंड किया तुमने, 20 बाय 21, तो 20 बाय 21 माइनस 1 इंटू 100 कितना आ गया, माइनस 1 बाय 21 इंटू 100। अब कैलकुलेशंस हमको स्किप करने हैं बहुत सारे, तो कैसे स्किप करोगे, क्योंकि ये करते नहीं बैठेंगे हम लोग। अगर 100 बाय 20 होता तो आंसर कितना आता, 5। अगर डिनोमिनेटर का नंबर छोटा हो रहा है तो नंबर बढ़ता है, मतलब 21 से छोटा नंबर होता तो यहाँ पे आपका आंसर 5 से ज़्यादा होता, लेकिन डिनोमिनेटर का नंबर अगर बड़ा हो गया तो ओवरऑल नंबर इज स्मॉलर है। मतलब मैं वो ये बोल रहा हूँ कि अगर 100 बाय 20 है तो 5% है, और अगर 100 बाय 20 से ऊपर नंबर है जैसे 21 है तो लेस देन 5 आएगा, तो लेस देन स्लाइटली लेस देन 5 आएगा, स्लाइटली लेस देन 5, तो बताओ स्लाइटली लेस देन 5 कौन सा है, 4.76, तो आंसर है 4.76, तो आंसर इज -4.76%। माइनस क्यों, बिकॉज वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, अगर परसेंटेज चेंज हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, फ्रैक्शनल चेंज हो तो यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगला क्वेश्चन वैसा ही है, हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड इन अ बलून एट 20 डिग्री सेल्सियस, इफ द टेम्परेचर इज मेड 40 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर रिमेनिंग सेम, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन विल कम आउट। तो आपको पता है, पता होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स के 3 वेरिएबल की हम बात करते हैं, एक्चुअली चौथा भी होता है एंट्रोपी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, लेकिन एंट्रोपी फिजिक्स में नहीं आता, यू डिस्कस ओनली इन केमिस्ट्री। तो हमारे पास 3 लॉ है, अगर आपको प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन देखना है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो, उसको आप बोलते हो बॉयल्स लॉ। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का देखना है तो प्रेशर कांस्टेंट रखते हो, उसको बोलते हो चार्ल्स लॉ। प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन देखना है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो, गेलुजैक्स लॉ। यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा लॉ यूज होगा, टेम्परेचर बढ़ाया है, प्रेशर सेम है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्या चेंज होगा, वॉल्यूम।
तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम विल इंक्रीज, मतलब डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस विल इंक्रीज। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन विल कम आउट? सिंपल सी बात है ना। इमेजिन हमारे पास एक बलून था, एक बलून है, इमेजिन इस बलून में हाइड्रोजन है 20 डिग्री सेल्सियस पे, और अभी आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाना मतलब डिस्टेंस बढ़ना, डिस्टेंस बढ़ेगा तो बलून से गैस बाहर आ जाएगा। तो वही पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन विल कम आउट? तो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, अगेन वी इज प्रोपोर्शनल टू टी, तो वी टू बाई वी वन इक्वल टू टी टू बाई टी वन। टी टू 40 डिग्री सेल्सियस और टी वन 20 डिग्री सेल्सियस, 40/20 नहीं करेंगे, केल्विन स्केल में चाहिए, तो केल्विन में 313 और ये 293। 40 डिग्री इज 313 केल्विन और 20 डिग्री इज 293 केल्विन। इसको एसिडिटी रखो। आपको पूछा व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन दैट विल कम आउट, मतलब डेल्टा वी बाय वी पूछा है, फ्रैक्शन मतलब डेल्टा वी बाय वी। तो ये आ जाएगा आपका वी टू माइनस वी वन अपॉन वी वन, मतलब वी टू बाय वी वन माइनस वन, तो दिस इज इक्वल टू वी टू बाय वी वन कितना है, 313 अपॉन 293 माइनस वन, मतलब 313 माइनस 293 अपॉन 293, मतलब आ जाएगा 20/293। 20/293 मतलब 20/300, 20/300 मतलब 1/15, 1/15 ना। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कैलकुलेशन सिंपल कैसे करना है। आप क्या करते बैठेंगे कि हम लोग इतना कुछ नहीं करना है, डेफिनेटली हमको इतना नहीं करना है, तो हमको थोड़ा सा ट्रिक्स फाइंड करने पड़ेंगे। 20/293 को क्या मान लो, 300 को क्या आ जाएगा, 1/15, तो 1/5 और 1/3, 1/5 होता है 0.2, 1/3 होता है 0.33, मतलब 32, 33 इंटू 2 66, इसके 2 पॉइंट, इसका 1 पॉइंट, तो 1, 2, 3, तो 0.066, मतलब 0.07, 0.07 ऑप्शन नंबर ए, 0.07 ऑप्शन नंबर ए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ वेसल इज 3 लीटर, मतलब वॉल्यूम दिया है, इट कंटेन्स 6 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम नाइट्रोजन एंड 5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सचर एट 27 डिग्री सेल्सियस। इफ आर इज 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, देन द प्रेशर इन द वेसल इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो हमारे पास एक वेसल है, उसका कैपेसिटी 3 लीटर है, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है 3 लीटर, उसमें 3 गैस का मिक्सचर है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन है 6 ग्राम, नाइट्रोजन है 8 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड इज 5 ग्राम, और दे द मिक्सचर इज एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर। तो अगर आपको याद होगा, एक डेल्टन लॉ, एक लॉ है विच इज रिलेटेड टू गैस, क्या बताता है आपको, इट टेल्स यू, फॉर एग्जाम्पल, जिनको नहीं पता नो इश्यूज, तो अभी आज पता लग जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टन लॉ। तो इट टेल्स यू कि अगर आपके पास एक कंटेनर है और अगर एक कंटेनर में आपके पास गैस का मिक्सचर है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस कंटेनर एंड दिस कंटेनर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ गैस, मतलब ये गैस टाइप 1, देन गैस टाइप 2, देन गैस टाइप 3, तो टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, मतलब प्रेशर ड्यू टू फर्स्ट गैस प्लस सेकेंड गैस प्लस थर्ड गैस, इसको बोलते हो डेल्टन्स लॉ, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टन्स लॉ। तो सिंपल सिंपल, तो ये आ गया आपके पास डेल्टन्स लॉ। तो आपको पूछा है व्हाट इज द प्रेशर, तो ये सब प्रेशर फाइंड करना पड़ेगा हमको। तो प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो पी इक्वल टू एन आर टी बाई वी, तो एन वन आर टी वन बाई वी वन प्लस एन टू आर टी टू बाई वी टू प्लस एन थ्री आर टी थ्री बाई वी थ्री। अब ये तीनों के तीनों गैस ना सेम कंटेनर में है, सेम टेम्परेचर पे है, सेम वॉल्यूम है, तो टी और वी है सेम, तो दैट इज वाई टी एंड वी वी विल राइट सेम इन ऑल द केसेस। फिर इसमें से आर टी बाई वी तुम निकाल लोगे कॉमन, तो
आर टी बाई वी आ गया कॉमन, यहाँ पे आ गया n1 + n2 + n3। आर की वैल्यू है 8.31, बट आई विल प्रीफर राइटिंग डाउन 25/3, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, 8.31 लिखो या 25/3 लिखो, डजेंट मैटर, इट्स अप टू यू। मैं 25/3 क्यों लिखता हूँ, मुझे कैलकुलेशन में सिंपल पड़ता है, तो ठीक है 8.31। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, मतलब 300 केल्विन है। वॉल्यूम 3 लीटर था, मतलब 3 × 10⁻³। N1 इज m1/m1, मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। गुड, तो ये आ गया 1 का, ये हो गया 100 का, ये ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, 10⁵। तो यू विल हैव दिस इक्वल टू 8.31 × 10⁵। ऑक्सीजन का मास 6 ग्राम दिया था, मॉलिक्यूलर वेट होता है 32। नाइट्रोजन का 8 था, मॉलिक्यूलर वेट है 28। कार्बन डाइऑक्साइड 5 था और मॉलिक्यूलर वेट होता है 44। ना 685 मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हो, ऑक्सीजन ओ टू है, ओ टू 16 और 16, नाइट्रोजन एन टू है 14 और 14, कार्बन 1 मतलब 12, ऑक्साइड 2 है, 2 ऑक्सीजन है, तो 32 और 12 44। अब इसके बाद कैलकुलेशंस करना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, हाउ विल यू डू कैलकुलेशन, बट थोड़े ये ट्रिक्स सीख लो आप, बिकॉज टाइम हमको बचाना पड़ेगा। तो देखो क्या है, ये 6/32, 6/30 मान लेता हूँ मैं, 1/5, 8 3 24, 8 4 32, तो ये 1 और ये 3.5, ये 5/44 है, मैं 45 मान लेता हूँ, मतलब by 9। अब इसको मैं और सिंपल करने वाला हूँ, 8.31 × 10⁵, 1/5 मतलब 0.2, ये 1/3.5 है ना, इसको 1/4 मान लो, 1/4 होता है 0.25, ये 1/9 है, इसको 1/10 कर लो, 0.1। तो ये आ गया आपके पास 8.31 × 10⁵, 0.2, 0.25, 0.45 और 0.1, मतलब 0.55। 0.55 है ना, इसको 0.6 मान लो, क्योंकि आंसर तुमको वैसे भी अप्रोक्सीमेटली पूछना है। 8 6 48 बराबर, तो 8.36 50, कितना 50, तो 8.3 × 0.6 कितना 5, 8 6 48, 8.3 × 6 इज रफली रफली 50, 8.3 × 0.6 इज 5, तो 5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब पास्कल, ऑप्शन नंबर ए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कैलकुलेशंस कैलकुलेशंस ऐसे रफ कैलकुलेशंस करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने आंसर वैसे भी क्या पूछा है, अप्रोक्सीमेटली। क्विक क्विक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गैसेस ऑक्यूपाई टू कंटेनर्स ए एंड बी, द गैस इन ए ऑफ वॉल्यूम 0.1 m³ एग्जर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 1.4 MPa, व्हाट इज MPa, मेगा पास्कल, मतलब 10⁶, एंड दैट इन बी ऑफ वॉल्यूम 0.15 m³ एग्जर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 0.7 MPa, द टू कंटेनर्स आर यूनाइटेड बाय अ ट्यूब। मैंने कल 2 क्वेश्चंस लिए थे, मैंने बताया था इंटरकनेक्टेड ज्वाइंट, मतलब कौन सा इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, वेरी गुड वेरी गुड। तो द टू कंटेनर्स आर यूनाइटेड बाय अ ट्यूब ऑफ निग्लिजिबल वॉल्यूम एंड द गैसेस अलाउड टू इंटरमिंगल, मतलब एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में गैस जा सकता है। देन इफ नॉट इट देन इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, द फाइनल प्रेशर इन द कंटेनर विल बी ऑफकोर्स इन मेगा पास्कल।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दो कंटेनर है ए और बी, ए का वॉल्यूम 0.1 है, उसमें प्रेशर 1.4 है मेगा पास्कल में, बी का वॉल्यूम 0.15 है और प्रेशर 0.7 है। दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब एंड द गैसेस अलाउड टू इंटरमिंगल। आपको पूछा कि अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा तो व्हाट इज द फाइनल प्रेशर। तो ये ना हमेशा नंबर, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ए कंटेनर में एन ए, बी कंटेनर में एन बी इक्वल टू एन फाइनल, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। फिर आपको पता है पी वी इक्वल टू एन आर टी, व्हाट इज एन पी वी बाय आर टी। तो पी ए वी ए अपॉन आर टी ए, लेकिन टेम्परेचर सेम है, प्लस पी बी वी बी अपॉन आर टी बी, लेकिन टेम्परेचर सेम है, पी एफ बी एफ अपॉन आर टी एफ, लेकिन टेम्परेचर सेम है, राइट? वेरी गुड। तो आर टी आर टी आर टी गया, कैंसिल हो गया। तो पी ए वी ए प्लस पी बी वी बी इक्वल टू पी एफ वी एफ, पी एफ वी एफ, लेकिन वी एफ होगा वी ए प्लस वी वी। जब दो कंटेनर को तुम ज्वाइन कर लेते हो या ट्यूब से कनेक्ट कर लेते हो, टोटल वॉल्यूम इज वी ए प्लस वी वी, तो आपको मिल जाएगा फाइनल प्रेशर का फॉर्मूला, पी ए वी ए प्लस पी बी वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, पी ए 1.4, ऑफकोर्स मेगा पास्कल है, लेकिन मैं मेगा मतलब 10^6 लिखूंगा नहीं, क्योंकि आंसर भी आपको मेगा पास्कल में पूछा है, तो आंसर मेगा पास्कल में आ जाएगा डायरेक्टली। वी ए इज 0.1, पी बी 0.7 और वी बी 0.15 अपॉन अपॉन वी ए प्लस वी बी, मतलब 0.1 प्लस 0.15। गुड गुड, हो गया 0.1 इंटू 1.4, मतलब 0.14 प्लस 15 7 105। तुमने ना क्या किया, ये डेसिमल हटा दिए थे, मल्टीप्लाई कर लिया था, 105 डेसिमल वापस लगाना पड़ेगा, ये 2 डेसिमल, ये 1 डेसिमल, मतलब 3, 105, तो 3 डेसिमल, 1 2 3, 0.105, नीचे आ गया 0.25। इन दोनों को ऐड करोगे ना, 1 और 1 2, 0.245 अपॉन 0.25। अगर ऊपर 0.25 होता, नीचे भी 0.25 होता, तो आंसर आता 1। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में छोटा सा डिफरेंस है, न्यूमरेटर इज स्लाइटली लेस देन डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर छोटा होता है तो आंसर 1 से छोटा होता है, करेक्ट? ज्यादा डिफरेंस है क्या इसमें? नहीं, वेरी माइन्यूट डिफरेंस, तो आंसर इज वेरी क्लोज टू 1। देखो तो कौन सा आंसर वेरी क्लोज टू 1 है, 0.98, डन। तो 0.98, डन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ जोक, लेट्स सी इफ यू अंडरस्टैंड जोक। एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मोनोटॉमिक गैस हैज अ वॉल्यूम वी एंड प्रेशर पी, ओके इस, तो मोनोटॉमिक गैस के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि मैं अगर वॉल्यूम लेता हूँ वी तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो सबका टोटल एनर्जी कितना है, 3/2 PV, करेक्ट? द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डायटोमिक गैस ऑफ द सेम वॉल्यूम एंड प्रेशर एस, ऑफ द सेम वॉल्यूम एंड प्रेशर एस। व्हाट एवर यू आर सेइंग, सेइंग से इट विद कॉन्फिडेंस। क्या होगा, गलत ही होगा, और क्या होगा, पी ऑप्शन 3/2 PV। क्यों? क्योंकि F/2 PV होता है एनर्जी, F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनाटॉमिक के तो होते ही 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ट्रांसलेशन के ओनली, लेकिन डायटॉमिक के ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब आपको कंसिडर किसका करना है, सिर्फ ट्रांसलेशन का, तो 3/2 PV। अगर बोला होता कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन 5/2, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन प्लस वाइब्रेशन 7/2,
7/2 ना, कार्बन डाइऑक्साइड OCO। अभी है ना ऐसा OCO ब्रैकेट के अंदर लिख के देने का कुछ मतलब है, ये जानबूझ के ऐसा लिखा है। आई टेल यू व्हाई, इज अ ट्राई एटॉमिक गैस। चलो ट्राई एटॉमिक पे बाद में जाते हैं। मोनाटॉमिक के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑल थ्री कमिंग फ्रॉम ट्रांसलेशन। रिजिड डायटॉमिक के 5, 3 फ्रॉम ट्रांसलेशन, 2 फ्रॉम रोटेशन। अब बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 2 फ्रॉम रोटेशन, तो बता देता हूँ कि कौन से दो रोटेशन, तो दो रोटेशन कौन सा। फॉर एग्जाम्पल ये एक रिजिड डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसके दो रोटेशनल एक्सिस पॉसिबल है, मतलब दो ऐसे एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो नहीं है। एक है ऐसा रोटेशन में एक्सिस सीधा सीधा आ रहा है सेंटर से बाहर की तरफ, तो डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन तो पता ही होगा, एक्सिस रोटेशन इज कमिंग आउट, तो इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस, राइट। ये हो गया एक। दूसरा एक्सिस रोटेशन है ऐसे परपेंडिकुलर टू द बॉन्ड लेंथ, इसमें एक एटम अगर बाहर आता है तो दूसरा अंदर जाता है। मैं करके बता देता हूँ, सपोज दिस इज रिजिड डायटॉमिक मॉलिक्यूल, तो ऐसा रोटेशन और उससे पहले का ऐसा, राइट। एक तो इन द प्लेन था, एक आउट ऑफ द प्लेन एंड इनसाइड द प्लेन है। तीसरा है अपनी जगह पे ऑन इट्स ओन पोजिशन, लेकिन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होता है क्योंकि डिस्टेंस जीरो है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिस्टेंस स्क्वायर इनटू मास, वो तो होगा नहीं, तो याद रखना। अगर इसकी जगह पे एडिशनली नॉन रिजिड बोला होता, नॉन रिजिड, तो नॉन रिजिड में दो वाइब्रेशन के भी आते हैं। कौन से दो वाइब्रेशन के आते हैं पता होना चाहिए। अब नंबर 1, वाइब्रेशन के दो पार्ट है, एक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, एक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। अब काइनेटिक एनर्जी क्यों, क्योंकि सपोज ये वाइब्रेट हो रहा है, ये मतलब ये दोनों वाइब्रेट होंगे, ऐसा नहीं कि एक ही होगा, ये भी होगा ये भी होगा, तो इनका वेलोसिटी है अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी स्क्वायर इनटू मास डिवाइड बाय 2 क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो एक आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, एक ही कंपोनेंट है। व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2, तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर तो पावर 2। तो जब वाइब्रेट होगा, जब वाइब्रेट होगा ये, तो इन दोनों का वेलोसिटी है अलॉन्ग एक्स, तो काइनेटिक एनर्जी है अलॉन्ग एक्स, तो वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है, वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जब ये वाइब्रेट होंगे तो डिस्टेंस चेंज होगा, मतलब एक्स की वैल्यू चेंज होगी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में तुमने पोटेंशियल एनर्जी डिराइव किया था, याद है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट, वो भी एक्स स्क्वायर है। तो इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या बताता है, जहां जहां क्वाड्रेटिक टर्म हो वहां वहां कितना, हाफ के बीटी। तो वाइब्रेशन में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां से आता है और एक यहां से आता है, तो टोटल कितने हैं, 2। तो ऐसे मॉलिक्यूल के टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 7, 3 प्लस 2 प्लस 2। यहां तक क्लियर, इतना पता है तो आप क्वेश्चन पे जा सकते हो वापस से। कार्बन डाइऑक्साइड OCO इज अ ट्राई एटॉमिक गैस, मैंने अभी आपको मोनो का बताया, रिजिड डाय का बताया, नॉन रिजिड डायटॉमिक का बताया, ये ट्राई एटॉमिक है। मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम गैस, 1 ग्राम हमारे पास गैस है, उसका मीन काइनेटिक एनर्जी कितना है, इफ एन इज एवोगाड्रो नंबर, के इज बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट एंड मॉलिकुलर वेट इज 44। मुझे तो पहले ये बताओ, छोड़ो बाकी सब बातें, सिंगल मॉलिक्यूल का एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ। यस, तो केबीटी, केबीटी को इन्होंने के बोला है, तो केबीटी F/2, ये आ गया इसका सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल का। तो अगर मेरे पास एन मोल्स है तो N F/2 kT, यहां तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर, सही है, श्योर, पक्का डन,
गलत बोल रहा हूँ, तुम बोल रहे हो यस। अरे पहले एक मॉलिक्यूल का तुम बता रहे हो, फिर एक मोल का तो निकालो, एक मोल का मतलब मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। वन मोल ऑफ गैस कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, तो एन ए लिखना चाहिए ना। हाँ, एफ बाई टू के बी टी ये सिंगल मॉलिक्यूल का है, एफ बाई टू एन ए के बी टी ये वन मोल का है कि नहीं। लेकिन इन्होंने एवोगैड्रो नंबर को क्या डिनोट किया है, एन। ये हो गया कितना, वन मोल का, तो एन मोल्स का कितना आएगा, एन। यहाँ तक क्लियर? तो व्हाट इज एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, एफ बाई टू के टी। व्हाट इज एनर्जी ऑफ वन मोल, एफ बाई टू एन के टी। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ टोटल गैस, एन एफ बाई टू एन के टी। हो गया डन, दिस इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एफ बाई टू एन के टी। अगर आंसर देखोगे ना तो एन के टी एन के टी एन के टी एन के टी, मतलब अब इसको डू नॉट डिस्टर्ब, ये रहने वाला है वैसा का वैसा, उसको कुछ नहीं करना अब। ओके, तो अब उसको कुछ नहीं करना, फिर इसका देख लो मास कितना दिया है आपको, 1 ग्राम। कितना दिया है, 1 ग्राम। व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 45/2 एन के टी। व्हाट अबाउट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, व्हाट अबाउट डिग्री, 7। लेकिन 7 तो नॉन रिजिड डायटोमिक का होता है, लीनियर। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई अगर आपके पास ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल है और अगर वो लीनियर है तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशन 3, रोटेशन वही 2 जो पहले थे और वाइब्रेशन के भी 2, तो इसका कितना होता है, 7। इसके लिए लिख के दिया ऐसा आपको, ये लिखने का मतलब ही था कि ये लीनियर है, तो भी पता होना चाहिए लीनियर ट्राइटॉमिक अगर हो तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 ही होते हैं, राइट। तो 7/88 एन के टी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर द डेंसिटी ऑफ गैस इज 1.3 ग्राम पर मीटर क्यूब। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, एयर का डेंसिटी 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो ये 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो सकता है, 1 ग्राम नहीं हो सकता। देखते हैं फिर, अभी आंसर चेक करते हैं, पर आइडियली स्पीकिंग नहीं होता है ना, एयर का 1, 1.2, 1.3, 1.4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। 1.3 ग्राम पर मीटर क्यूब बोलने गए, इसका मतलब वेरी वेरी लो डेंसिटी है, तो इतना कम नहीं होता है। एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज 330 मीटर पर सेकेंड, ये ठीक है। देन द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस विल बी, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस कैसे फाइंड करोगे। वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको कौन बताता है। ओके, चलो मैं इसको अदर वे राउंड उल्टा पूछता हूँ, अगर मोनोटॉमिक गैस है तो गामा वैल्यू कितना है। फाइव बाई थ्री, तो मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा वैल्यू 5/3 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3। कैसे किया, क्योंकि तो गामा होता है 1+2 बाय f एक्चुअली, तो जैसे आपने बोला ना 5/3, ठीक है, 5/3 = 1+2 बाय f, मतलब 5/3 - 1 = 2 बाय f, मतलब 2/3 = 2 बाय f, तो f = 3। तो या तो गामा वैल्यू ढूंढ लो या फिर डायरेक्टली डिग्री ऑफ फ्रीडम ढूंढ लो, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। गामा वैल्यू अगर 7/5 आई तो कौन सा गैस, रिजिड डायटोमिक, वेरी गुड। रिजिड डायटोमिक के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 5। 5 तो 7/5 मतलब 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। व्हाट अबाउट नॉन रिजिड डायटोमिक, 9/7 मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 7। तो गामा वैल्यू ढूंढ लो, अपने आप आंसर मिल जाएगा। अब गामा वैल्यू कैसे ढूंढोगे, तो इसका आंसर आएगा 11th के साउंड चैप्टर में से, क्योंकि साउंड बोला है, स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड इन गैस
एस गामा पी बाय रो, ये पता होना चाहिए। गुड, वी की वैल्यू दी है आपको 330। एक काम करो पहले स्क्वायर कर लो, तो वी स्क्वायर इक्वल टू रो पी बाय, सॉरी गामा पी बाय रो, तो गामा इक्वल टू वी स्क्वायर रो बाय पी, वी स्क्वायर रो बाय पी, वी स्क्वायर, वी स्क्वायर 330 का स्क्वायर, 330 मतलब 33 × 10 इसका स्क्वायर, डेंसिटी 1.3 विथ करेक्शन किलोग्राम में है, ग्राम में होता तो 10⁻³ और लिखते, राइट? तो 10⁻³ लिखेंगे नहीं हम लोग। प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमोस्फियर, है ना? व्हाट इज 1 एटमोस्फियर? 1.013 × 10⁵, 1.013 × 10⁵ पास्कल। ये आ गया आपके पास 33 का स्क्वायर 1089, इसका स्क्वायर आ जाएगा 10² 1.3 अपॉन, ये इसको क्या गिनना है, छोड़ देना है इसको, क्या गिनोगे इसको गिन के, छोड़ दो 10⁵। ओके, 10⁻² और 5 -3, रिमेम्बर ना, इसको 1100 मान ले, मान लो 1100, क्या फर्क पड़ता है, 1100 इंटू 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 10⁻³ और इंटू 1.3, इंटू 1.3 सही है, ये 10⁻³ इसको दे देता हूं मैं, 1.1 × 1.3 पता कितना है, 143, 1.43 क्यूब, 13 × 11 = 143, 1 पॉइंट पॉइंट, तो यहाँ पे भी पॉइंट, तो 1.43। आपको पता है 7/5 कितना होता है, 1.4, तो 1.43 मतलब 7/5 मतलब कौन सा गैस हो गया, डिजिट एटॉमिक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 5, ऑप्शन नंबर सी। अब तुमको कंप्लीट करना है तो कर लो, तो गामा इक्वल टू 1 + 2/f, गामा की वैल्यू 1.4 है, इक्वल टू 1 + 2/f, तो 1.4 - 1 = 2/f, 0.4 = 2/f, 4/10 = 2/f, 1 and 2 and 5, तो f इक्वल टू 5, ठीक है, f इक्वल टू 5 हो गया क्वेश्चन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द मीन फ्री पाथ ऑफ एटम्स इज डबल्ड देन द प्रेशर ऑफ द गैस विल बिकम। अभी जिनको मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, मैं उनको पहले बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे पास एक गैस है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और आपको पता है कि ये गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं, तो ये एक मॉलिक्यूल है रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहा है, जिसको ब्राउनियन मोशन भी बोलते हो, वो आया, इसका पहला कोलिजन हुआ, फिर दूसरा कोलिजन हुआ, तो इसने जो दो कोलिजन के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसको बोलते हो फ्री पाथ। फिर वो यहाँ से जाएगा, दूसरा और एक कोलिजन करेगा और एक फ्री पाथ, फिर कोलिजन करेगा, फिर फ्री पाथ, फिर फ्री पाथ, फिर फ्री पाथ, मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज फ्री पाथ। लेकिन लेकिन हर दो कोलिजन में सेम डिस्टेंस ट्रेवल होता नहीं है, तो कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, इन सब का हम लोग करते हैं एवरेज, उसको बोलते हो मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ अगर फाइंड करना है तो या फिर आप सीधा सीधा बोलो λ1 + λ2 + λ3 जितने होंगे कोलिजन उतने डिवाइड बाय एन, या फिर उसका एक अल्टरनेट फॉर्मूला भी है, दैट इज 1/√2π d² n, वेयर डी इज डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल एंड स्मॉल एन इज नंबर डेंसिटी, मतलब नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। तो आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 1/√2π d² n/b। मैंने आपको कल बताया था, मैंने आपको परसों भी बताया था, फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल से होते हैं, एकदम सिंपल होता है, क्या दिया है, क्या पूछा है, उसमें फॉर्मूला बनाओ, क्या दिया है, मीन फ्री पाथ की इंफॉर्मेशन दी है, क्या पूछा है, प्रेशर, तो आपको लैम्डा को प्रेशर के साथ कनेक्ट करना है, दैट्स इट। तो बताओ कैसे करोगे, पी वी इक्वल टू एनआरटी, हमारा वी इक्वल टू ठीक है, बट पी वी इक्वल टू एनआरटी, तो पी वी इक्वल टू यहाँ पे कैपिटल एन है और ये नंबर डेंसिटी है,
ये नंबर ऑफ मोल्स है, दोनों में डिफरेंस है, ये नंबर डेंसिटी है और ये नंबर ऑफ मोल्स है, दोनों चीजें अलग अलग है। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? एन बाय एन ए आर टी, सही है। तो एन बाय वी, देखो ऐसा ना, यहां से बता देता हूँ, पाई कांस्टेंट, रूट टू कांस्टेंट, डी बी कांस्टेंट, क्योंकि जो गैस है वो चेंज नहीं हो रहा, गैस तो गैस है ना, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा ना कोलिजन के बाद ऑक्सीजन नाइट्रोजन बन गया, ऐसा होता है गया? नहीं होता। तो ये कांस्टेंट है, मतलब दिस इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एन बाय बी। अब यहां से अगर आप देखोगे तो पी बाय आर टी और यहाँ पे एन ए इक्वल टू एन बाय वी, एन ए कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट, टी भी कॉन्स्टेंट, मतलब एन बाय वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर वन हमको बताता है कि मीन फ्री पाथ इज प्रोपोर्शनल टू एन बाय वी, राइट, और इक्वेशन टू बताता है कि एन बाय वी इज प्रोपोर्शनल टू पी, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय पी। यह समझ में आया? पक्का समझ में आया? श्योर श्योर, गुड। तो हो गया, तो आपको क्या पूछा है? प्रेशर, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब मेन फ्री पार्ट डबल करोगे तो प्रेशर हाफ हो जाएगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऑप्शन नंबर बी। तो पी टू बाय पी वन इक्वल टू लैमडा वन बाय लैमडा टू, लैमडा वन इसको तुमने डबल कर दिया था तो लैमडा टू स्टूडेंट, तो लैमडा वन कैंसल, तो पी टू बाई पी वन इज वन बाई टू, तो पी टू इक्वल टू पी वन बाई टू, हो गया ऑप्शन नंबर बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूंगा नहीं, इसे बता देता हूँ। द मेन फ्री पाथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट प्रेशर ऑफ वन एटमोस्फियर, मतलब प्रेशर दिया है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस भी दिया है और मेन फ्री पाथ की वैल्यू भी दी है, मतलब क्या क्या दिया देख लो, प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, साथ में मेन फ्री पाथ की वैल्यू दी हुई है, इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल मतलब स्मॉल एन भी दिया हुआ है, और आपको पूछा है मॉलिक्यूलर डायमीटर फाइंड करो। लैम्डा इक्वल टू वन अपॉन रूट टू पाई डी स्क्वेयर एन, तो डी स्क्वेयर इक्वल टू वन अपॉन रूट टू पाई लैम्डा इन टू एन, सही है, गुड। तो लैम्डा दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, वैल्यू डालना है, सॉल्व करना है, डन। तो वो तुम खुद करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 30, 40 कैलोरीज ऑफ हीट इज नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस फ्रॉम 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना और थोड़ा थोड़ा कनेक्ट होता जाएगा, देखो लॉजिकल चीज है, मैं आपको बताता हूँ, वैसे बाय द वे मैं बताता हूँ आपको ये मोलार स्पेसिफिकेट और ये क्या होता है वो अगले क्वेश्चन में बता दूंगा मैं, पर अभी समझ लो, हमारे पास एक गैस है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, गैस क्या कुछ भी हो, लिक्विड हो, 20 से 30 करना है, क्या करना पड़ेगा? हीट सप्लाई, वही तो बोला है, अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है उसका टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री करना है तो कितना हीट लग गया? 40 कैलोरीज। और जब आप इसको हीट सप्लाई कर रहे थे तब आपने प्रेशर क्या रखा है? कॉन्स्टेंट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेस इट्स टेम्परेचर ओवर द सेम इंटरवल, ओवर द सेम इंटरवल मतलब वापस से 20 से क्या करना है? 30। ओवर द सेम इंटरवल मतलब वापस से 20 डिग्री से 30, बट दिस टाइम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो पहली बार आपने प्रेशर रखा था कॉन्स्टेंट, अब आप रख रहे हो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट। अब चलो मैं बता ही रहा हूं तो मैं तुमको और एक चीज बता देता हूँ अब, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी स्पेसिफिक हीट का ही क्वेश्चन है, तो यू शुड नो। हमने इन टोटल, पहले तो हम स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कैसे करते हैं वो समझ लो। स्पेसिफिक हीट का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे पास जो कुछ भी सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो जितना भी हीट लगेगा दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। मैंने कहीं पे भी क्वांटिटी मेंशन नहीं किया कि 1 किलोग्राम, 1 मोल, तो जस्ट प्लेन डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय
1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट के होते हैं दो पार्ट्स, एक को आप बोलते हो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, एक को आप बोलते हो मोलार स्पेसिफिक हीट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसको आप बोलते हो प्रिंसिपल। जब अमाउंट 1 किलोग्राम है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज मोलार स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे क्वांटिटी 1 किलोग्राम था, इसको डिनोट करते हो कैपिटल एस से। यहाँ पे क्वांटिटी 1 मोल था, डिनोट करते हो कैपिटल सी से। नोटेशन में वेरी फ्रॉम बुक टू बुक, कुछ कुछ बुक में इसको कैपिटल सी बोला है, इसको स्मॉल सी भी बोला है। यस ओके अब इन दोनों में दो दो टाइप्स है, दोनों में एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बात ऐसी है, पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो। दोनों में है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज नोन एज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डिनोट करते हो एस पी। तो जब आप 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा रहे थे, हीट सप्लाई कर रहे थे, टेम्परेचर सॉरी प्रेशर तुमने रखा कॉन्स्टेंट, प्रेशर क्या रखा कॉन्स्टेंट, तो जितना भी हीट लगा 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए उसको बोल दोगे प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर की जगह पे मैं वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखता तो मैं बोलता हूँ उसको एस वी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और यहाँ पे भी अगर मैं प्रेशर कॉन्स्टेंट रखता तो बोलता सी पी, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और सी वी, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यहाँ तक क्लियर? कांस्टेंट प्रेशर पे लगने वाला हीट ये हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम से ज्यादा होता है, उसका रीजन है क्यों वो भी समझ लो। क्योंकि फिजिक्स एक्चुअली अगर आप समझ के लोगे ना तो बहुत सिंपल हो जाता है, तो तुमको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा कि यार क्या गलत दिया है क्या सही दिया है। ओनली बाय रीडिंग क्वेश्चन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या सही है क्या गलत है क्या करना है। सी द आइडिया यर इज, अच्छे से समझ लेना, एस पी या सी पी ये एस बी या सीवी से ज्यादा ही होता है फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। हम दो एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझेंगे कि व्हाट इज द रीजन। तो इमेजिन हमारे पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड है वाइल दूसरा कंटेनर है जिसमें एक मूवेबल पिस्टन है। दोनों में सेम अमाउंट ऑफ गैस है, जितना गैस इसमें है उतना ही गैस उसमें है। अगर ये 1 किलोग्राम गैस है तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट बोलेंगे, अगर ये 1 मोल ऑफ गैस है तो मोलार स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। अब इसका कुछ टेम्परेचर होगा, सम टेम्परेचर, सम व्हाटएवर वैल्यू 20 डिग्री। मुझे इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो मैं हीट सप्लाई करूंगा, मुझे इसका टेम्परेचर भी 1 डिग्री से बढ़ाना है तो मैं हीट सप्लाई करूंगा। यहाँ तक क्लियर? जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है ना तो जितना भी तुम हीट सप्लाई करोगे वो एक ही काम कर रहा है, टू रेज द टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी बढ़ाना मतलब टेम्परेचर बढ़ाना बेसिकली। गुड। लेकिन यहाँ पे जहाँ वॉल्यूम फिक्स नहीं रहा, जब तुम हीट करते हो तो हीट कहाँ जाता है, गैस मॉलिक्यूल के पास। तो गैस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, फास्टर मूव होते हैं, फास्टर मूव होते हैं मतलब ज्यादा कोलिजन होते हैं, कोलिजन मतलब प्रेशर। तो प्रेशर की वजह से ये हो जाता है ऊपर, तो जो हीट हमने सप्लाई किया उसका कुछ पार्ट वर्क डन में भी यूज हो गया सिस्टम को ऊपर मूव करने में। तो यहाँ पर जो हीट सप्लाई किया उसने दो काम किए, एक तो टेम्परेचर बढ़ाया एक तो वॉल्यूम बढ़ाया। यहाँ तो एक ही काम कर रहा है, तो यहाँ तो जितना हीट दूंगा वो टेम्परेचर ही बढ़ाते बैठेगा, यहाँ दूंगा तो वर्क भी करेगा, तो ज़्यादा हीट कहाँ लगने वाला है, पहले केस में, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है वर्क डन हो रहा है, राइट। तो हमेशा प्रेशर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ये हमेशा ग्रेटर होता है कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, 40 कैलोरीज आपको हीट लगा था, 1 मोल ऑफ गैस आइडियल मोनाटोमिक गैस का टेम्परेचर 20 से 30 करने में कांस्टेंट प्रेशर पे। तो यू शुड नो हीट सप्लाइड
एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। वैसे हीट सप्लाइड का इक्वेशन हमेशा होता है एन सी पी डी टी, ऑलवेज राइट, ऑलवेज ऑलवेज। ये कितना बोला है, 14। नंबर ऑफ मोल कितना है, वन। सी पी, चलो सी पी यहाँ से मिल जाएगा, सी पी। डी टी कितना है, 10, क्योंकि 20 से 30 हो गया, तो डी टी इज 30 माइनस 20, है ना, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो 40 इक्वल टू सी पी इंटू 10, मतलब सी पी कितना हो गया, 4, 4 आ गया। अब दूसरा केस, दूसरे केस में हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या लिखोगे, एन सी वी डी टी। ये पूछा है आपसे, आपको पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एन कितना है, वन। यू नो सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर, माइनस रिलेशन। तो व्हाट इज सी वी, व्हाट इज सी वी, सी पी माइनस आर। सिंस सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर, तो सी बी इक्वल टू सी पी माइनस आर। तो देयरफॉर हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू सी पी, 4 है अभी फाइंड किया तुमने, आर 2 दिया हुआ है, और डी टी तो सेम इंटरवल था, मतलब 20 to 30, मतलब 30 माइनस 20, तो ये कितना हो गया, 2। ये कितना हो गया, 10। तो कितना हीट लगेगा, 20 कैलोरीज। तो 20 कैलोरी ऑप्शन नंबर ए में है, 20 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड।